नमस्कार, मैं कोपल हालन स्वागत करती हूं आपका सी लॉर्ड न्यूज में। भारत अगले साल मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी करने जा रहा है, जो कि देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा। शनिवार के दिन बीजिंग में हुई ओलंपिक समिति की 139वीं बैठक के दौरान भारत ने अगली बैठक की मेजबानी का अधिकार हासिल किया। इस दौरान किसी भी देश ने भारत का विरोध नहीं किया। बैठक की मेजबानी को लेकर हुए मतदान में भारत को 76 मतों में से 75 वोट मिले। ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन 2023 की गर्मियों में मुंबई के जियो वार्ड कन्वेंशन सेंटर में होगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 139वीं बैठक में भारत की तरफ से अभिनव बिंद्रा, नरेंद्र भत्रा और नीता अंबानी शामिल हुई थी। अभिनव भारत के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में एकल प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। वहीं भत्रा भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, जबकि नीता अंबानी भारतीय ओलंपिक समिति की सदस्य है। भारत दूसरी बार ओलंपिक समिति की बैठक की मेजबानी करेगा, जबकि मुंबई में पहली बार यह बैठक होगी। इससे पहले 1983 में दिल्ली में इस बैठक का आयोजन हुआ था। भारत को इस बैठक की मेजबानी मिलने पर टेनिस स्टार लिएंडर पेस, नीता अंबानी और अनुराग ठाकुर जैसे दिग्गजों ने खुशी जताई है। टेनिस स्टार पेस ने खुशी जताते हुए लिखा, मुंबई को 2023 में IOC की बैठक की मेजबानी मिलने पर बहुत उत्साहित हूँ। भारत की ओलंपिक यात्रा का हिस्सा बनना गर्व की बात रही है और यह निश्चित रूप से बड़ा अवसर है। IOC की सदस्य नीता अंबानी को इस शानदार उपलब्धि के लिए बधाई। वहीं नीता अंबानी ने खुशी जताते हुए कहा कि 40 साल बाद भारत में ओलंपिक अभियान की वापसी हुई है। ओलंपिक समिति की बैठक की मेजबानी देने के लिए मैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की आभारी हूं। भारत की ओलंपिक से जुड़ी उम्मीदों के लिए यह बहुत अहम है। इससे भारत में खेलों का नया दौर शुरू होगा। खेल हमेशा से दुनिया भर में उम्मीद और प्रेरणा का स्रोत रहा है। हम दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक हैं और आज मैं भारत के युवाओं के ओलंपिक से जुड़े अनुभव को लेकर उत्साहित हूँ। हमारा सपना है कि यह साझेदारी भविष्य में और बेहतर हो और आने वाले समय में भारत ओलंपिक खेलों की मेजबानी कर सके। अनुराग ठाकुर ने भी ट्वीट कर कहा कि 2023 में ओलंपिक समिति की बैठक भारत में हो रही है, भारत के लिए यह ऐतिहासिक क्षण है। पिछले कुछ सालों में भारतीय खेल ने बड़ी छलांग लगाई है। ऐसे महत्वपूर्ण समय पर भारत के प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा होने पर उत्साहित और गौरवान्वित हूं। धन्यवाद।